इतनी डिलीशियस मैगी है ना, बहुत ज़्यादा डिलीशियस, एकदम जो घर वाली टाइप होती है एग्जैक्टली वही है ना, बहुत यम्मी यम्मी यम्मी। enjoying the Maggie in Manali. Hey guys, welcome to our Twin Sisters channel. I'm Atri. And I'm Kanti. So guys, आज हम बना रहे हैं vlog and also. Guys, this is the final part. So, अगर आपने हमारे previous parts नहीं देखे, like previous episodes जितने भी हम गए जगह घूमने, तो वो नहीं देखे तो प्लीज पहले वो देखना, उसके बाद कंटिन्यू दिस व्लॉग, तभी आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ पर हैं, like हम क्या कर रहे हैं, like क्या and हमने कब कैसे ट्रिप प्लान की, जो भी था, मतलब जो भी था, what लंबी छोटी कहानी है उसकी। एंड ऑल्सो हम अभी हैं मनाली पे। तो जैसे कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग इंट्रो इसी से हुआ था, हम पहाड़ों पे चल रहे थे, लाइक वो सुबह 7 बजे की बात थी जब निकले थे वहाँ से। अभी टाइम हो रहा है 5:30 या बिकॉज हम लोग लाइक 240 समथिंग यहाँ पहुंचे, बिकॉज हमने ब्रेक्स लिए थे बीच बीच में। हाँ। तो अब हम लोगों ने फाइनली एक अच्छा सा होटल रूम ढूंढ लिया, कॉटेज है एक्चुअल में ये। हाँ। और ये काफी मतलब जो मॉल रोड है उससे 2 किलोमीटर मतलब हाइट पे है ये, नहीं हाइट पे नहीं 2 किलोमीटर दूर है, तो हाइट पे भी तो काफी है ये। हाँ, हाइट और सबसे ऊपर पे हम लोग यहाँ पे, मतलब बहुत टॉप पे हम लोग यहाँ पे, बिल्कुल बहुत तगड़ा है यहाँ का, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का, और बिल्कुल भी क्राउड नहीं यहाँ पे जहाँ पे हम रह रहे हैं फिलहाल। एंड यहाँ के लोग भी अच्छे हैं आस पास के, तो मतलब ऐसा शांति वाला है, और यहाँ पे रिवर ऐसे बह रहा है, उसकी आ रही है, वो अच्छा सूदिंग सा वाइब है। तो हम लोगों ने सोचा था कि लाइक पहले हम मनाली पहुंच जाते हैं, उसके बाद ही हम इंट्रो करेंगे इसका। अभी आपको बता दें, हम अभी तुरंत ही नहाए हैं, थोड़े भी डिसाइड किए ना, आज हम ऐसे भी लेट हो चुके हैं। हाँ। और आज सुबह हम वहाँ से नहा के निकलने थे, तो यहाँ पे आके नहा लेते हैं। एंड हमें कुछ खास ज्यादा करना भी नहीं, सिर्फ मॉल रोड जाना है, लाइक थोड़ा सा देखने की कैसा है, लाइक काफी सुना उसके बारे में। यस, एंड थोड़ा सा शॉपिंग हो पाई तो मम्मी के लिए थोड़ा बहुत लेंगे, अपने लिए थोड़ा बहुत लेंगे, देखेंगे जो भी जिस हिसाब से मिलता है हमको। एंड ऑल्सो फिर हमें डिनर भी करना है, तो हम वहाँ से करते हुए हम लोग को वैसे भी कल दोपहर में निकलना है यहाँ से दिल्ली के लिए। तो अब चलते हैं मॉल रोड एंड यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि लाइक क्या हमको खाने में और लाइक शॉपिंग के लिए मिलता है। यस, और हम पहले आउटफिट दिखा दें अपना। या ओके ओके, क्यूट सा पहना है। ओके, तो आज मैं मिरर में दिखा देती हूँ एक बारी। तो ये पहना है हमने क्यूट टी शर्ट एंड डेनिम स्कर्ट, लाइक काफी कूल है ये डेनिम स्कर्ट एंड टी शर्ट। लाइक हम लोग काफी दिन सोचे थे कब कहाँ पहने इनको, बट ये बेस्ट जगह हमको मिली है। ये ना मनाली में फिलहाल बिल्कुल भी ठंडी नहीं है, लाइक मॉडरेट क्लाइमेट होता है ना, लाइक 24-23 ऐसा डिग्री सेल्सियस चल रहा है यहाँ पे, तो हमें बिल्कुल ऐसा है नहीं कि कुछ ठंडा ही पहनना है। तो यहाँ पे हम आराम से पहन सकते हैं। एंड अब चलते हैं, बहुत बकबक कर ली है ये, अब चलिए। एंड ऑल्सो गाइज, हम भूल ही गए कि आपको हमें रूम टूर भी देनी है, लेकिन जहाँ पे हम रुके हुए कॉटेज में, मैं आपको एक्चुअल स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। तो हम जैसे एंटर करते हैं, यहाँ आता है छोटा सा हॉल जहाँ पे सोफे वगैरह रखे हुए हैं, एंड उसी के थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको राइट और लेफ्ट में 2 रूम मिलेंगे, जिसमें कि राइट वाला भैया एंड भाभी का है और ये लेफ्ट वाला हमारा। सो लेट्स गेट इनटू दिस। ये है सुंदर सा बेड एंड यहाँ पे एक सुंदर सी ड्रेसिंग टेबल, बहुत मिनिमल है, ऐसा कुछ हाई फाई टाइप्स का नहीं है, बट नॉर्मल सा रूम है, बट लाइक वुडन फ्लोरिंग सॉर्ट ऑफ, बहुत पूरी फील आती है आपके तुम रह रहे हो हिमाचल प्रदेश में, ऐसा नहीं कि तुम और रह रहे हो। अगर कोई और होटल लेंगे तो फिर लग्जरी फील की जरूरत नहीं है हमें, हमें रहना है वादियों में, सो वी नीड दिस रूम। तो ये है सुंदर सा रूम, एंड यहाँ पे 2 सिटिंग एरिया के लिए काउच दे रखे हैं एंड सेंटर टेबल, एंड बहुत ही अच्छी सी यहाँ पे आप देखो ना, एक बहुत बड़ी खिड़की भी है ताकि आप बाहर का व्यू भी देख सकते हो। एंड उसके बेड के सामने भी है ना एक अपोजिट में ही बालकनी गेट है, जहाँ से बहुत बहुत ही सुंदर व्यू है, हम लोग पूरा मनाली दिख रहा है। हाँ। ऐसा वाला व्यू है and we just love this. Finally हमको मिली ऐसा कुछ जो हमें चाहिए था। काफी बिल्कुल ऐसे नारकंडा में था। हाँ, बिल्कुल वैसा ही व्यू है, बट बल्कि वहाँ से अच्छा व्यू यहाँ पे, बिल्कुल बिकॉज कि हम ज्यादा हाइट पे हैं, हमको सब ज्यादातर चीज हम देख पा रहे हैं यहाँ से। So guys, अभी हम लोग निकल रहे हैं। yes. मुझे लग रहा है थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है कि हवा चल रही है, और हम लोग डेनिम स्कर्ट चल के जा रहे हैं, मुझे लग रहा है ठंडा लग गया, बट अभी ना अंदर बैठ जाएंगे या फिर थोड़ा वॉक करेंगे तो ठंड नहीं लगेगी। एंड अभी बज रहे हैं, मैं आपसे कब बात की थी, 5:30 एंड नाउ इट्स 7 o'clock, ऑलमोस्ट डिनर टाइम। चलिए। हाँ, अब तो ज़्यादा फ्रूट्स लटक रहे हैं, मैंने शूट तो लिया था वो, अगर आपको दिख रही हो तो नाशपाती, ये वाली चैपल भी है। ट्रैफिक है यहाँ पे, काफी क्राउड है, बट हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, मास्क का सब पहना हुआ है। यहाँ पे चालान में 5,000 का, अगर आप मास्क नहीं पहनते तो या फिर तो जेल जाओ 8 दिन का, ऐसा है। देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है यहाँ पे एक्सप्लोर करने को। और यहाँ का फूड कैसा है वो भी वक्त बताएंगे जब हमें कुछ अच्छा मिलेगा खाने को। तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये है आज सुबह मनाली का नज़ारा। लाइक सारे क्लाउड्स नीचे आ चुके हैं एंड हमको सुनने में आया जो कॉटेज के जो ओनर हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे कंगना रनौत का भी घर है। लाइक थोड़े से नीचे जाके हमारे रास्ते में पड़ता है जब हम लोग ऊपर आए थे कॉटेज में रहने के लिए। तो जब हम नीचे जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे गाइस। हे गाइस गुड मॉर्निंग। जैसे कि हमने आपको सुबह सुबह व्यू दिखा दिया था जब हम जगह से, कैसा व्यू था हमारा बालकनी का। अभी बज रहे हैं 12 और बारिश फाइनली बंद हो चुकी है। क्योंकि हमको जाना है तो हमें बारिश नहीं चाहिए क्योंकि बारिश पर और गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी हमको चलाने के लिए। और जिसे सुन सकते हो रिवर की आवाज़ आ रही है, अभी सब कुछ दिख रहा है एकदम क्लियर। एक सुबह तो बहुत ज़्यादा फॉग हो रखी थी तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, बट नाउ इट्स वेरी क्लियर। और धूप भी निकल गई हल्की हल्की और क्लाइमेट भी है सब बहुत अब मॉडरेट सा हो गया। ऐसा ठंड नहीं है, सुबह सुबह तो ठंड सी हो रही थी बहुत ज्यादा मनाली में, बट नाउ इट्स ठीक है ठीक है बहुत है। तो हम लोग जाएंगे घर और तो हमने सोचा ब्लॉग में थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हैं। लाइक थोड़ा सा अपना दिखाते हैं लोग लंच क्या करेंगे। हाँ हम बैठ है भैया, तो अभी हम पैक कर लिया है। हाँ, हम लोग अब निकल रहे हैं दिल्ली के लिए जिसका हमें सफर आई थिंक 11 से 12 लग जाएंगे। और रुकेगा तो मे भी थोड़ा और लग जाएंगे, बीच में खाना पीना चलेगा थोड़ा बहुत। इतने सारे लोग हैं तो कुछ होता रहता है जी। तो ऐसा कुछ हमने सोचा है। हम निकलते हैं जल्दी से और वो काफी लेट हो रहा है। हमने ब्रेकफास्ट बिस्किट्स वगैरह खा लिए थे। हाँ बिस्किट्स वगैरह खा लिए थे। हम लंच करेंगे और फिर देखते हैं कहाँ आज क्या क्या होता है। कुछ होगा आगे तो ब्लॉग में जरूर डालेंगे, वरना तो फिर आपको पता ही है गाइस क्या होगा। और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं चीकू से मिलने के लिए। चीकू से मिले हुए लाइक अपने वीडियो कॉल तो हम डेली करते थे इसको, लाइक मम्मी को भी करते थे वीडियो कॉल। तो लाइक एक हफ्ता हो गया हमको ऑलमोस्ट मम्मी से डैडी से दूर। तो आज हमने बोल दिया है उनको हम आ रहे हैं करके। और हमें डर लग रहा है कि इसी को हम भूल तो नहीं जाएगा, लाइक भूल नहीं गया। बट वो काफी हमने उसको 20 दिन अपने पास रखा है तो ऐसा लाइक 20 दिन हमारे साथ ही रहता था। लाइक रात में भी उसको अपने पास ही चलाते थे हम। हाँ तो आई डोंट थिंक एक हफ्ते में वो भूल जाएगा। और वो थोड़ा बड़ा भी हो गया, इसके हेयर काफी बड़े हो गए, इसकी आईज भी दिख रही थी। सोचते कोई बात नहीं एक हफ्ता ही तो हुआ है, इट्स ओके हम जाएंगे। तो हम लोग दिल को समझा रहे हैं, यस हम अपने दिल को समझा रहे हैं, सीधी सी बात है ये। और कितना प्यारा लग रहा है ना पीछे से, बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। लाइक नारकंडा के बाद जो बेस्टेस्ट व्यू आया है वो ये है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। यहीं पे ये व्यू के साथ हमें खत्म करना पड़ेगा ब्लॉग। ऐसा लग रहा है माय गॉड ये हफ्ता कब गुजर गया पता ही नहीं चला। एंड ये हमने इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज। मुझे लगता है कभी ऐसे लंबे रोड ट्रिप पे जा पाते, कभी लाइक इतनी लंबे तो कभी नहीं जा पाएंगे। मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली। लाइक स्पीति वैली हमने पूरी कवर कर लिया। लाइक वो लोग इन चीजों के लिए 15-20 दिन लेते हैं, हम लोग एक हफ्ते में लाइक पूरी कवर कर दी। बिकॉज हम सोते नहीं थे, हम घूमते रहते पूरे दिन कार में रहते पूरे दिन। लाइक ये एक मेरे ख्याल से एक तरीके से 24 आवर चैलेंज इन कार, तो बखूबी हमने निभाया है। सो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से एंड मनाली मिलते हैं। अब हम लंच टेबल पे यस या तो कपिल तोड़ रहा है नाशपाती, दो तो ऑलरेडी मिल चुकी है फ्रेश नाशपाती या कितनी बड़ी बड़ी है ये देखो। ओह माय गॉड फ्रेश नाशपाती यस यार भाभी भी खा रही है। और 2 दिन ना भैया को दे दूंगी किसी ने अगर हमें देख लिया था दे, मुझको भी दे दे यार। एक्चुअली मैं यहाँ पे तोड़ना अलाउड नहीं बिकॉज हमारा तो है नहीं, तब भी चलता है गाइस। बहुत भूख लग रही है, 1 बज गए हैं। हाँ अभी तो हम लोग निकले नहीं है एज यू कैन सी। मज़ा ही आ गया श्याम। ये वाला वो वाला घर है कंगना रनौत एंड ये है यहाँ से एंट्रेंस। ओके इल्ग्रना कार्तिके निवास जाना है मंडी और मंडी के लिए यही NH मतलब हाईवे है यहाँ पे, तो हाँ, यहाँ से जाने वाले क्या पे होगी लैंडस्लाइड। और 5 घंटे से हम ट्रैफिक में 5 घंटे से हम लोग एक बार लौट के भी चले गए थे कि हम सोचा था कि हम दूसरे रास्ते जाएंगे, पर वहाँ पे तो 3-4 बार लाइक बहुत रुक रुक की जगह लैंडस्लाइड हुई यहाँ पे तो बहुत ज्यादा। तो वो इधर चांसेस है क्लियर होने का, बट उधर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वापस आए हैं एंड अभी 6:30 बज चुके हैं एंड हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बिस्किट और चिप्स जी रहे हैं एंड बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत बुरी हालत। एंड बस अब तो यही हो रहा है कि भगवान बस पहुँचा दो घर जल्दी से। बस अभी हमने अंशु को उतारा नीचे कि यहाँ पे कोई ढाबा हो तो पराठे वराठे लिया है पैक करा के। हाँ तो सैंडविच भी लिया अभी हो गया है एंड देखते हैं यहाँ पे कुछ मिल जाए तो खाने को। और हम नहीं चाहते हम रात में यहाँ पे रुके भी, बस हम चाहते हैं हम जल्द से जल्द बस ये रोड क्रॉस कर लें। बस मंडी पहुंचा तो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एंड मनाली को हम लाइक 50 या 60 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं, हम वापस भी नहीं जा सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। सो गाइस हम आज तो नहीं जा पाएंगे अपने घर बिकॉज अभी हमें पत्थर गिर रहे हैं और पेड़ गिरने वाले से लग रहा है, तो लैंडस्लाइड हो सकती है हमें। तो इसलिए हम लोगों ने फाइनली हमको जो ढाबा मिल गया था सैंडविच बर्गर जैसा फील दे रहा है एंड आलू के परोठे भी हैं, खाने का इंतजाम हो चुका है। तो फाइनली गाइज जो लैंडस्लाइड हुई थी सब क्लियर हो चुका है एंड हम लोग फाइनली आज घर जा रहे हैं। हमने तो पूरी उम्मीद ही छोड़ दी थी। एज यू कैन सी कि लाइक बहुत ज़्यादा पत्थर गिरे थे तो जिनको साइड में कर दिया गया है। नाउ वी आर गोइंग बैक टू दिल्ली। कहाँ है चिकू? ओह माय गॉड चिकू बच्चा, ओह माय गॉड चिकू से थोड़ी ना मिलना है। चिकू गुड्डा आई भी पूछो चल चिकू चिकू। ओ नो चिकू नो चिकू नो। देखिए बात हां हां रे बच्चा ओ नो नो चिकू चाटने के लिए कर रहा है चिकू बच्चा। मुझे बहुत डिफरेंट लग रहा है चिकू बच्चा। कुजी कुजी वो चिकू बच्चा कौन आया? मुझे कौन आया? नमस्ते।